वेलकम 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 बैक टू आवर चैनल बेड टाइम पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं रेसिज्म के ऊपर। तो ये एक्चुअली क्रिकेटिंग रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसको जो क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करते उसको बैकग्राउंड दे दूं। एक ऑली रॉबिन्सन नाम का क्रिकेटर है जो 27 ईयर्स ओल्ड है, और उसने अभी अभी जस्ट 2 जून को अपना डेब्यू किया था। और उसने जब डेब्यू किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तभी उसके पास्ट के मतलब ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले के कुछ ट्वीट्स रिसर्फेस हुए हैं, जो काफी रेसिस्ट और सेक्सिस्ट ट्वीट्स थे। और बेस्ड ऑन दोस ट्वीट्स ही हैज नाउ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो काफी ऐसा एक डिबेट का टॉपिक बन चुका है कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। तो अभी हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई लोग, बताओ तुम्हारे हिसाब से हाँ, सही हुआ गलत हुआ? आफ्टर परफॉर्मिंग लाइक मतलब इतना बढ़िया परफॉर्म किया उसने, 4 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए, फिर अच्छे रन भी मारे इंग्लैंड के लिए, और फिर फाइनली ईसीबी ने डिसाइड किया कि बिकॉज ऑफ हिज पास जो भी उसने ट्वीट्स किए और तो पहले ऐसे। मैच में तो सिलेक्शन हो गई थी ना, तो वो तो फिर हाँ खेलना ही था, पर हाँ उसके लेकिन बाद जब ये हुआ उसने मतलब परफॉर्म पॉइंट भी ये अच्छा है किया कि ना जो काफी। उसने 9 साल पहले किया था या 8 साल पहले किया था, उसके बेसिस पे अब इसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, जबकि कितना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिख रहा था अब जो जिस तरह का उसका डेब्यू था। ये तो डेब्यू मुझे क्या पिक्चर है? डेब्यू मतलब पहला में मैच डेब्यू खेला मैंने उसने? सुना। अच्छा, अच्छा सेम क्रिकेट पहला में तो मैच तो हाँ, काफी पहले आपको हम ये बता अब देते हैं, मैं अंकुर हूँ, ये आयुष क्या है, नील है, कार्तिक है और चेतन। तो आयुष, नील और कार्तिक क्रिकेट में इल है, ठीक है। इनको नहीं यार, ज्यादा नहीं कार्तिक पता। क्यों? अच्छा कार्तिक कार्तिक को क्या है, बोल रहे सॉरी थे? हाँ कार्तिक को मान लो, कार्तिक सॉरी खेलने जाता है कार्तिक, क्रिकेट, सॉरी सॉरी कार्तिक है। कार्तिक नहीं, तो पर नील वही को यही जैसे नहीं हाँ पता कि क्रिकेट में डेब्यू क्या पहला होता है, तो हम उसको बताए थे डेब्यू वही होता है जिस तरह से मूवीज में मैच होता है, पहला मैच। कोई भी हो सकता है, किसी मतलब वो मतलब अगर सब पहले भी फील्ड में हो सकता वनडे मैच खेले तो वनडे में डेब्यू, टेस्ट मैच खेले तो है। टेस्ट में, वैसा। अच्छा हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोग इसके बोल रहे हैं कि ये तो 8 साल पहले किया था, 9 साल पहले किया था, अब अचानक से क्यों बातें याद आ रही हैं, पहले क्यों नहीं देखा, और फिर अगर कर दिया तो कर दिया, अभी तो कुछ नहीं कर रहा वो। तो इसके बारे में व्यूज उसने जानेंगे। चलो पहले अपोलोजाइज नौ, तो किया, उसने सॉरी वॉरी बोला खूब हाँ उसने कि सॉरी मैं बोला। तभी मैच्योर नहीं था उतना, मेरे को पता नहीं था दुनियादारी के बारे में, अब मैं सीख गया साथ, अभी मैं जो इतनी मेहनत की है मैंने 10-15 साल एक क्रिकेटर बनने में, वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ सम स्टूपिडिटी आई डिड इन माय पास्ट। दैट इज अरे ट्रू। लेकिन और वो बोल रहा है ना, वो इलीगल ऑफेंस है, ऐसा करना गलत है, इलीगल है, तो तुम हाँ, सजा लेकिन देंगे? उसे नहीं वार्निंग देके या कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करके कुछ कर सकते थे, पूरा बैन करना तो बहुत ज्यादा हो गया अभी तो फिलहाल सस्पेंड ही ना। किया उसको, बैन तो नहीं किया। कब तक है वो सस्पेंशन वो देखना पड़ेगा, ईसीबी उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, सब करेगी। पर क्या मतलब, बस वही चर्चा ये है कि 9 साल पहले के ट्वीट्स की वजह से आज उसको नहीं खेलने देना, अरे तो वो बहुत सही है कि बढ़िया नहीं? एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर दिया ना, कि आगे के लोगों के लिए यस, एग्जाम्पल सेट है ना, कि भाई तुम जिंदगी में कभी ऐसा मत करो, नहीं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से जा सकती है। तो मतलब एग्जाम्पल जो सेट ये करना था बहुत वो अच्छी भी चीज चीज है। दी है उन्होंने, तो आई और आई थिंक थिंक एग्जाम्पल आरडी सेट चला करना रहे बहुत हैं जरूरी तो था, प्रॉब्लम एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो ये बढ़ते बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में ज्यादातर होते हैं, तुमने अगर वो सीरीज देखी होगी 13 रीजंस वाई, किसी ने अगर देखी होगी, तो उसमें स्पोर्ट्स प्लेयर यूजली दे गेट दे नो कुछ मेक ज्यादा यूज ही ऑफ अग्रेसिव होते हैं, देयर दादागिरी, और फिर अब्यूज करते हैं, सेक्सिस्ट होते हैं, बुलिंग। रेसिस्ट होते हैं, बुली होते हैं स्कूल के। तो अब ये एग्जाम्पल सेट होना बहुत जरूरी है कि देर इज नो स्पेस फॉर बुली इन करंट एरा। वो टाइम गया जब जहाँ पे बुलीज को लोग भाप देते थे या फिर उनको कोई कुछ नहीं होता था, अब ये टाइम गया, अब बुली की कोई जगह नहीं है। तो आई थिंक ये गुड एग्जाम्पल है। तो नील तू क्या करना चाहेगा, तू तो क्रिकेट फॉलो नहीं करता, क्या ये सही हुआ? और अच्छा ही आयुष बन भी रहा है क्यों? अच्छा क्यों, अच्छा ही हुआ? अरे और भी कितने खेलने वाले, अब तो उसने तो क्या, उसने उंगली की थी निकाल दिया और क्या। अच्छा उसने बहुत चाहिए मेहनत की शांत ना वो सुशील तो रहना निकालने चाहिए के ना लिए। उसको। यार अरे मेहनत की उसने तो बहुत शांत सुशील थोड़ी लड़का था, गाली वाली देता था, निकालो साले को बाहर। ऐसे गाली तो ताली वैसे तो सब हमारे देते हैं कैप्टन क्रिकेट में, दे तो रहा स्लेजिंग। है हमारे हाँ करंट इंडियन क्रिकेट के कैप्टन इतनी गालियां दे चुके हैं हाँ पास्ट। अरे मुझे फिर भी जो तो भी है एग्जाम में मुझे बेन तो स्टोक्स कुछ वाला मीम याद आता है मेरे को। वो अरे तो पर वो है ना कि देख, अभी हम जैसे इंडियंस लोग हैं,
और अभी जैसे 10 साल पुराने भी रहेंगे तो शायद हम भी थे ही रेसिस्ट थोड़े बहुत, पर इतना ट्विटर व्यूटर तो यूज नहीं करते थे, तो पब्लिक डोमेन में या कोई इंटरनेट पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म तो शायद अपना ये सब नहीं हुआ रहेगा इतना, पर कहीं ना कहीं दोस्तों के बीच में ऐसा हंसी मजाक तो किया ही होगा, किसी को हाँ चिढ़ाया बिल्कुल, कुछ। लेकिन बिल्कुल हाँ लेकिन अभी वो एक लेवल पे पहुंच गया है, तो एक एक उन पे भी प्रेशर रहता है पब्लिक का, तो उनको तो करना हाँ ही पड़ेगा अगर चाहे या ना चाहे। मतलब और सारे छोटे ईसीबी पे लोगों को ज्यादा प्रेशर था देख के आगे एक्चुअली, बढ़ेंगे। ईसीबी अगर इस चीज पे एक्शन ना लेती तो और बड़ी बात हो जाती, क्योंकि और बड़ी बात जनता, हो तो क्योंकि जाती है, कंट्री जनता को पता लग गया कि के ऊपर ऐसा आया है। प्लेयर है। हाँ बिल्कुल कंट्री पर आ जाता। इनफैक्ट किसी विमेन क्रिकेटर, इंग्लिश क्रिकेटर ने भी कुछ कमेंट किया था इस पे कि सच पीपल शुड नॉट रिप्रेजेंट, कुछ करके ऐसा कुछ बोला था। तो फिर तो ईसीबी को पक्का एक्शन लेना पड़ा। खैर मुझे तो कुछ इसके ट्वीट समझ में भी नहीं आया, कुछ कुछ मतलब मुझे तो उसका समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। जैसे सबसे अच्छा पहला हाँ, ट्वीट जब वो जो भी उसने ट्वीट्स किया उसका, जैसे बहुत जो लोगों ने शायद तो गूगल करके या ट्विटर एक्चुअली वो या और ट्वीट देखा होगा। हाँ क्या था पता है क्या मेरे को? बहुत, बहुत मतलब सारे ट्वीट्स उसने हैं, बहुत बहुत सारे सारे ट्वीट्स ट्वीट्स किए, हैं, बहुत चार सारे किए। चार या अरे पांच नहीं, ट्वीट्स किस हैं जो बंदे का बेसिस रीसेंट पर है हाइट ट्वीट? में, हाँ सारे वो ही नहीं ऐसे कह ही रहा हूँ, हैं। उसमें चार ऐसे पांच बहुत टॉप पे सारे हैं किए जो हैं। लोगों जो स्क्रीनशॉट चल रहे हाँ हैं जिनके। अगर दिख रहा है किसी को ये, नहीं ऐसे तो नहीं दिख नहीं रहा, ऐसा तू नहीं रहा, स्क्रीन रीड शॉट डाल करके देना बता, बाद में चलो अलाउड नहीं करेगा। मैं वीडियो पे दिखा रीड दूंगा करके इस पे। बता। हाँ 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 क्लियर माय कट न्यू है। मुस्लिम फ्रेंड इज द बॉम्ब, मतलब अब ये डबल कुछ ऑब्वियसली कुछ भी हो अरे सकता है लेकिन डबल। उसमें गलत क्या, वो बोल रहा होगा हॉट डॉग या हाँ जो भी बिल्कुल उसके बॉम्ब है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हो सकता है इसी नहीं में हो सकता है, यू बट यू नो व्हाट ही इज अरे टॉकिंग मुस्लिम अबाउट। लोग को उसने देख, अभी ये वही बात है कि अभी हम अगर इस पर हंसेंगे स्माइल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी रेसिस्ट कहलाए जाएंगे, वो बात नहीं है, बट मतलब उसका डीपर मीनिंग बोल रहा हूँ जो लोगों को बुरा लगा, कि उसने मुस्लिम रिलीजन को टेररिज्म के साथ जोड़ा है बॉम्ब वर्ड बिल्कुल यूज करके। विच इज वेरी रॉन्ग। अच्छा और वो भी पर ये मतलब बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भी किया यार। आई रिमेम्बर एक स्टैंड अप कॉमेडियन था जिसने एक कुछ तो जोक मारा था, कुणाल कामरा ही था मेरे ख्याल से। हाँ कुणाल कामरा का एक जोक था ना कि एक हिंदू अंकल रहता है जो फ्लाइट में टर्बुलेंस आते रहता है, तभी वो चिल्लाता है जोर से कि जय माता दी, और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो तब उसके ही साथ में 2 सीट पीछे कोई तो एक मुस्लिम अंकल भी था, अगर वो खड़े होकर अल्लाह अकबर चिल्ला देता तो अच्छा वो ऐसा उसका जोक है, कुणाल कामरा का ही था शायद मेरे ख्याल से फ्लाइट वाला जोक। बट वो ही है तो कि फिर अभी अभी आई थिंक सेंस इट ऑफ ह्यूमर डिपेंड्स वाली कि बात सेंस भी है इसमें। ऑफ ह्यूमर वाली बात भी, और डिपेंड्स कि तुम किस कंट्री में हो और वहाँ के लोग किस चीज पे ट्रिगर हो जाते हैं। हमारे लोग किसी हाँ चीज पर, पर्टिकुलर चीज पे ट्रिगर जैसा होंगे, अभी वहाँ के तो लोग किसी और अभी चीज पे ट्रिगर होंगे। तो हम आई डोंट थिंक सो कि के हमारे यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन इस जोक पे ट्रिगर होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्वीट पे लोग ट्रिगर हो सकते हैं जो उसने लिखा, नॉट गोइंग टू लाई, अ लॉट ऑफ गर्ल्स नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ क्लास। तो ये तो बिल्कुल सेक्सिस्ट ट्वीट है, तो ये बिल्कुल तो हर कंट्री में लड़कियां भड़क जाएंगी इस चीज पे। लड़के क्या, बहुत सारे लड़के ही एक भड़केंगे जो मैं भी उसका इसके लिए भड़का। वीडियो गेम वाला भी होगा एक उसका हाँ ट्वीट, एक वीडियो गेम के रिलेटेड भी कुछ तो वो था। तो क्लियर कट हाँ होता। कौन सी कह आयुष को वीडियो वीडियो गेम वाला सुना दे, आयुष को इनको सुना देना मुझे, क्या गेमिंग गेमिंग का कुछ आया तो। है क्या तेरे पास और वीडियो गेम अब का? जैसे, अब जैसे इसका वो पता नहीं क्या है, एक और ट्वीट है वो आई थिंक ही इज वीडियो रेफरिंग गेम टू अ ब्लैक गाय। वाला देखो मोबाइल पर, अभी है पता अंकुर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओ, नहीं मैं आज एक्चुअली उसको मैं सिंगापुर रूम में वाले बैठा हूँ, भैया। हाँ तो जो भी तुमने बोला होगा तुम थोड़ा फिर से बोल देना, क्योंकि शायद मेरी रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो आयुष आयुष के लिए ये वीडियो गेम वाला, फीमेल्स हु हाँ प्ले वीडियो गेम्स एक्चुअली टेंड टू हैव मोर सेक्स एंड बी हैप्पियर विद द रिलेशनशिप देन द गर्ल्स हु डोंट। इतना क्या, ना तो कोई सर पैर कुछ अबे लेकिन क्यों लिख रहा है ऐसा, मतलब क्या है उसका, कहाँ से वो उसने तो इतना? 18 साल का था, कुछ भी डाल दिया उसको लगने के लिए। टारगेटिंग गर्ल्स हुआ लाइक इन टू फैशन, कि जो फैशन में उनको वीडियो ज्यादा गेम कुछ पे सेक्स वेक्स नहीं मिलता, जो जो बिना फैशन के ये हैं, जो तो वीडियो गेम पे प्रॉब्लम ज्यादा हुई ध्यान ना दे रही है। कि तो मतलब वो इस पे अंकुर ने नहीं, बोला वो तो कि समझ सेटलमेंट रहा हूँ, एग्जाम्पल, बट मतलब पॉपुलर होने के लिए नहीं शायद यार। अरे हमने जैसे फेसबुक में, मैं भी अगर 10 साल पहले देखूं मैं क्या क्या कॉलेज में क्या क्या मैंने कमेंट्स करे हुए हैं, बट मैंने कुछ सक्सेस ये निको नहीं और वो सब पता नहीं लिखा, ना। अरे लेकिन यार मैंने बंदे कुछ कैसे भी कह अजीब सा सकता है लिखा हुआ अठारह है, साल कुछ का भी था लिख वो रहा क्या? था और मैं वॉल पे डालते रहता था। हाँ अरे हाँ, तो लेकिन ऐसे लड़की को बोलना किसी एक जेंडर को या किसी रिलीजन को, हम लोग ऐसा पॉइंट नहीं करते क्योंकि अपने को केवी में पहले ही बोला है कि ऐसा नहीं करना, गलत टीवी में ठीक है,
बहुत अच्छी गाय ना केवी में केंद्र केवी बाय द वे केंद्र विद्यालय अबे नहीं यार, पर अपने यहाँ पे भी तो देख लोग गालियां वाले तो देते थे ना, तो कोई भी सेलिब्रिटी को हाँ तो कमेंट अबे देते सेक्शन। हैं, लेकिन ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके ऐसा पब्लिश नहीं करते, पीछे किसी अरे के नहीं, मैं पीछे वही तो बोलते। बोल रहा हूँ, तो अभी इंस्टाग्राम खोल, कोई भी किसी भी फीमेल एक्ट्रेस का या कुछ, उल्टे सीधे कमेंट वाले करने वाले हाँ लोग वो मिल ही तो जाते। नौनत पे कितने चढ़ हाँ गए थे लोग फालतू हाँ में, वो तो है। लेकिन तो वही पॉइंट फेक ये अकाउंट बना के करते हैं यार काफी सारे। होता है ना, फेक वाले भी होते रहेंगे, कुछ लोग ओरिजिनल से करते होंगे। तो अब अभी 9 साल पहले अगर तूने कुछ कांड किया होगा, तो उसका अगर तेरे को पनिशमेंट आज मिलेगा, तो तेरे को मतलब वो जस्टिफ मतलब फेयर है क्या? बुरा लगेगा लेकिन फेयर तो है ना, पनिशमेंट उसके तो साइड तो मतलब सही। किया है तो हाँ मिलना। पनिशमेंट तो मिलेगा। हाँ वो अच्छा तो मना वैसे कर ही नहीं था, उसने नहीं एक एक किया। टास्क कर सकते हैं, सबके हाथ में अपना फोन होगा, एक बार 9 साल पहले का कोई फेसबुक पे कोई तुमने कुछ, 9 साल पहले मैं फेसबुक तो पे तुमने नहीं कुछ होगा लिखा यार अजीब से लिखा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखा है, मेरा। हाँ मैंने मैं तो नहीं बहुत होगा अजीब कुछ अजीब का। चीजें लिखी हैं, और आई एम नॉट एलिजिबल, ऐसे ऐसे क्यों बस अकाउंट नहीं यार, था तेरा ये कुछ फेसबुक लिखता ही नहीं था। का? नहीं मेरा नहीं अकाउंट ही मेरा 2012। फेसबुक, नहीं मेरा फेसबुक अकाउंट तो था, बट मैं किसी के कुछ भी ऐसा पोस्ट से फोटोज पोस्ट करता था मैं, कि वो वॉल पे स्टेटस डालते थे, तो वो स्टेटस डालना या किसी दोस्तों के फोटोज पे कमेंट करना, ये वो बहुत ही कम किया है। मैंने आज तक कोई ऐसा रेसिज्म वाला कमेंट डाला ही नहीं, मुझे बिल्कुल मतलब पता ही हाँ पसंद ही हाँ नहीं है सब चीज ऐसे डालना। तुम दूध के धुले थे, आई यू थिंक। अरे अभिनंदन मैं बोला है उल्टा, उसने खाना देख खाया, अगर बट मैं अगर वही बोल रहा बोलता हूँ कि दिमाग में दशा रहता का था ना, मैं समझ बोलता नहीं था कभी, वो था कि ये मेरा यहाँ ठीक कोई पर जैसे कुछ लोग का वो भी आर्ग्यूमेंट है ना, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 9 साल पहले के, 9 साल पहले क्या, तो कुछ लोगों ने इसको कंपेयर किया है मीटू वाले मूवमेंट से, कि जैसा अभी बिल्कुल। कुछ लेडीज लोग 10 साल आवाज 20 साल उठाई, राइट, हाँ तो क्या उनको भी माफ कर देना चाहिए? हाँ तो सालों का कोई कनेक्शन ही नहीं है इसमें तो। अरे नहीं, सालों का कनेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यार देख, एक ना तू क्राइम करने, दोनों को अगर तू ऐसा क्राइम देख रहा है, तो उसकी हीनियसनेस, जैसे अगर समझ तूने किसी बिल्कुल वो एक, तो है ही, कंपैरिजन ही नहीं है दोनों में एक फिर। तो वो तो एक एक किसी को तूने छेड़ा है, मोलेस्ट किया, रेप किया, और उसका तू कंपैरिजन कर रहा है किसी के, एक 18 साल के बच्चे के, समझ हाँ रहे कमेंट या ट्वीट कर किसी को भी, हाँ तो तो वो नहीं है कंपेयर, वो भी लेकिन तो क्राइम तो दोनों ही है ना, एक छोटा एक बड़ा है बस। तो फिर और अगर वो हाँ इलीगल है वो चीज, तो इसी, फिर उसका तो हाँ क्राइम इसी भी क्रिमिनल काफी एक्शन अरे है ना वो रिट। रिस्पॉन्स लॉ भी, क्योंकि भी मैंने देखा अगर तुम्हें बोलने से, तो मैंने देखा, पर वो भी काफी एम्बिगुअस है, क्योंकि वो पहले एक कुछ 1650s का कुछ लॉ था कि यू कैन नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बेस्ड ऑन रेस कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओनली इन पब्लिक प्लेसेस। तो उसके बाद यूके में क्या होने लगा कि जैसे उनको प्राइवेट रेस्टोरेंट ओनर्स या ब्लैक लोगों को रेस्टोरेंट में मना कर लेते थे, देते थे तो हाँ, या फिर उनको मॉडिफाई हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी दे देते, या उनको अपने घर नहीं देते रेंट पे, तो फिर धीरे धीरे और अमेंडमेंट्स आए वो एक्ट में, और तो वो धीरे रेसिज्म के धीरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल साउथ अफ्रीका का ले सकते हो। मेरे ख्याल से उन्हें 15 या 20 साल का बैन मिला था बैन कर दिया इंटरनेशनल, था। यस, 15 साल का पूरी क्रिकेट कंट्री से, बैन क्रिकेट हो गई क्रिकेट से से बैन कर फॉर दिया, पूरी टीम को बैन 20 टू कर 20 दिया था, हाँ कंट्री, क्योंकि क्यों बैन उन्होंने किया था? साउथ अफ्रीका की कोई पीपल टीम ही नहीं थी, ऑफ उन्होंने कलर ब्लैक को, प्लेयर खिलाने को मना कर दिया था अपनी टीम में। लेकिन साउथ अफ्रीका का मैंने देखा है क्रिकेट तो खेलते वो लोग ग्रीन नाइनटीन कलर नाइनटी का। वन और टू हाँ, नाइनटीन अब नाइनटी वन खेलते हैं और ना? टू में कमबैक किया था उन्होंने, और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी वो अच्छा दवाई। हाँ, वही तो 1990 से है ना वो लोग, नाइनटीन हाँ नाइनटी हाँ वन आफ्टर आफ्टर नाइनटीन उससे नाइनटी पहले, या 75 to 90 के उससे बीच पहले का। गायब अच्छा हो उससे गए थे। पहले बैन, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, और फिर 1987 वर्ल्ड कप, उन सब में साउथ अफ्रीका नहीं थी। तो इसलिए तो अब जैसे काफी स्ट्रॉन्गली मैं भी ढूंढ खेलते रहा था कि मैंने कुछ कमेंट करे हो, तो मैं तो कुछ भी लिख रहा था, अगर तुम पढ़ पा रहे हो, नहीं दिख धोबी रहा हो है, कुत्ता नहीं ना घर का ना घाट भारत का, भारत माता की जय, हल्ला में बोल, इनकलाब जिंदाबाद, मैं कुछ भी लिख भारत रहा हूँ। और ये क्रांति की लड़ाई लड़ 18 फरवरी 2010 के मैसे वो है, ये तो मेरे रहा है। वॉल पे ऐसी लिखी हुई चीजें तो चीजें। मैंने भी लिखी होंगी भाई, इसमें क्या है। हाँ वही बोल रहा हूँ कि हाँ हम हाँ कुछ भी लिख तो रहे थे, बहुत लिखते हैं तो शायद वो भी कुछ भी लिख रहा होगा, वो भी उसी उम्र में था जिस उम्र में हम थे यहाँ पे इस बिल्कुल। टाइम पे, अबे लेकिन ऐसा उसका थोड़ी लिखा कुछ है कि भी। वीडियो गेम में जो हाँ खेल रहे हैं वो लड़कियां बहुत सेक्स करती हैं। हाँ हैं? बिल्कुल, अब वो और तो कुछ नहीं भी लिखता था बोला, ना कुछ। ये तो अबे जजमेंट हो गया ना भाई, वो वो बोल रहा हूँ, जजमेंट हो गया। हम लोग पर कुछ भी वो साले लिखते हैं, जो वो कल्चरल लिखा वो कल्चरल जजमेंट हो गया। नहीं, सही बात है, तूने जजमेंट जजमेंट तो पास किया उसने, पर उन लोग का कल्चर भी तो अलग है ना। तू वो देख, अभी अपने यहाँ पे 18 साल, जब हम 17 18 साल के थे, हम इतना ज्यादा, अपने यहाँ पे डेटिंग कल्चर उतना ओपन नहीं था, या हम हाँ सेक्स नहीं कर रहे थे या जो भी, वहां शायद पे उसके तो एक्सपीरियंस में वैसा होगा, वीडियो गेम्स खेल रहा हाँ होगा, बिल्कुल पता नहीं मुझे। हो सकता है।
हो सकता है, और लेकिन हमारे यहाँ अभी पे भी जैसे थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से नहीं। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन सक्सेस तो अपने हम कम में इंडियन, हम तब भी हो सकते थे, लेकिन अब, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट लॉस नहीं है हमारे यहाँ पे अभी इन इन सब केसेस को अभी लेकर। जैसे आयुष ऑस्ट्रेलिया में है, तो तेरे को कभी ऐसा फेस हुआ कि तेरे अगेंस्ट कुछ रेसिज्म हुआ है वहां पे? नहीं, अब ये, अब मेरे को तो कभी नहीं लगा, प्लस होता है, मैंने देखा है, बट वही है कि वो लोग उंगली कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी रहेंगे, मतलब नहीं, तुझे वो क्यों भी छोड़ शांत दिया? में तुझे रहेंगे। आयरन मैन सब पे छोड़ दिया इसने क्या? उंगली नहीं की ना, नहीं इसने उंगली नहीं नहीं की। ऐसी बात नहीं है, जैसे देख हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी जगह पे, जैसे अपना दिल्ली में प्रगति मैदान है, वैसे यहाँ पर फ्रेंडर स्क्वायर है, वहां पर बहुत अच्छा होली का फेस्टिवल मनाया था हमने, और कोई कुछ नहीं कर रहा था, उल्टा ऑजी भी आके बहुत मतलब नाच रहे थे, होली खेल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर तुम उनको कुछ कहोगे कि भाई तू ऐसा बीफ क्यों खाता है, तू ये क्यों, तो ऑब्वियसली वो भी फिर आके वो करेंगे, वो भी रेशियल कमेंट फिर पास करना शुरू करेंगे। तो मेरे को अभी तक क्या, मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई रेसिज्म मेरे पे हो रहा है। बट हाँ ऑब्वियसली 2008 2009 में तो बहुत सुनते थे ऑस्ट्रेलिया और इंडियन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया बहुत में ज्यादा तो ये आजकल आजकल हाँ आजकल ना मैंने बहुत ही, आजकल बहुत ही सटल रेसिज्म होता है इन बड़ी कंट्रीज में। तुम पूरा खुल के ओपनली रेसिस्ट कमेंट्स को ही पास नहीं करता, सटल रेसिज्म। लाइक अब जैसे मैं दोस्त का एग्जांपल दूंगा, वो नाम नहीं लूंगा, वो गया रेस्टोरेंट में अपनी वाइट गर्लफ्रेंड के साथ, और फिर वहां पे जाके वाइफ रेस्टोरेंट और में जो है, गर्लफ्रेंड दोनों के साथ अरे में, वाइट वाइट गर्लफ्रेंड, वाइट 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 ऑल्सो सर। शीज वाइट। तो आई एम जस्ट मेकिंग कि मतलब वो ऑब्वियसली मेरा दोस्त इंडियन है तो हाँ ब्राउन हाँ है, समझ गया, और फिर वाइट। इंडियन तो वहां पे जाके सीधा वेटरेस ने जाते ही पूछ बोल दिया कि वी डोंट स्प्लिट बिल्स हियर। मतलब कि उसको लगा कि ये साथ में रिलेटेड ही नहीं है, उसने मतलब हाँ अज्यूम कर लिया कि ये दोनों दोस्त रिलेट हो ही नहीं सकते। और है। दूसरा एक इंस्टेंस है कि जब मैं किसी फॉरेनर के साथ था, तो फिर किसी ने मुझ पर ऐसा कमेंट पास किया कि हाउ कम यू हैव अ गर्ल लाइक दिस, ऐसा कमेंट आया था। तो फिर तो ये तो चलो बहुत स्ट्रेट उसका फॉरवर्ड रेसिज्म से रेसिज्म कोई हो लेना गया। देना है नहीं वैसे कट वो तेरी शक्ल पे गया था, ठीक है, वो रेसिज्म को नहीं कहता। कर दूंगा स्पॉट को, नहीं कट बट ये चीज तो कर यार इतना ही बोलते हैं कि लंगूर कहा तुम अंगूर, और ये वो चीजें तो यहाँ पे भी दूंगा। बोलते हैं। चेतन का कोई बेटा बात क्या नहीं, बंदी चेतन जगह पर, कोई तो इतनी देर तक बात हंस रहा है मेरी उस पे, लेकिन हाँ वो अटक गया था। नहीं नहीं पर वो तो यार अपने आप में भी बोलते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर, या जैसे हाँ अगर वो कोई तो, बहुत लेकिन लेकिन अब खूबसूरत लड़की ये किसी को भी बोलता है कि वो रेसिस्ट कमेंट पक्का है, सरकारी नौकरी वाला लेकिन ये है। सारे भी रेसिस्ट कमेंट्स हैं। अब लेकिन हमारे देश में भी इतना सीरियसली लेते नहीं इन चीजों को, क्योंकि हम सब नहीं सेम रेस के। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी कालो यार का, अरे सब ये तो काला है, अरे ये तो काली है। हाँ हाँ नहीं, हम लोग बिहारियों में खुला बहुत बोलते हैं ज्यादा ही ना, होते हम हैं, लोग कांतिला बिहारियों में ज्यादा बोलते ही हैं, होते बोलते हैं। हैं कालू है सारा। अरे उसका भी तो हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद का, कालू कालू पता है कि नहीं, हाँ कंट्रोवर्सी हुई थी यस। नहीं उसको। अरे अरे जेसन मेरे को तो होल्डर एक था ना, जेसन होल्डर या कार्लोस ब्रैथवेट, कौन था उनमें, जेसन जेसन होल्डर होल्डर ही। को किसी को बोला था, लेकिन किसी इंडियन ने ही बोला था, लेकिन वो बहुत ही फ्रेंडली वे में अरे बोला। ईशान ईशान शर्मा ने उसके उसको ईशान ट्वीट कर शर्मा, दिया, यस उसने यस कमेंट कर दिया था और कालू कैसा है या ऐसा कुछ भी। हाँ और पूरा इनफैक्ट हैदराबाद टीम वाला उसको कालू कालू बोलते थे। एक कॉमेडियन ने बोला था कि उसने एग्जांपल दिया कि एक लड़के को यहाँ पे किसी ने काला बोल दिया, और वो पुलिस के पास चला गया कि मुझे काला बोल रहे हैं। अभिषेक तो यहाँ की पुलिस ने बोला वो उपन, तुझे काला बोल रहा है क्योंकि तू अभिषेक काला है। तो दिस इज द उपन लेवल कि हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं सीरियसली लेते रेसिज्म को। सेक्सिज्म को ले सकते हैं, बोलो। अभी भी ले रहे हैं बिल्कुल, अभी थोड़े, लेकिन हाँ तो इतना बड़ा चीज नहीं होगी अगर हमारे यहाँ पे कुछ यहाँ पर रेसिस्ट तो कमेंट पास लोगों होते के हैं नाम काले होते हैं, मतलब कालू है, कालिया है, बच्चों के नाम वैसे रहते वो तो रख ले वही हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या पता अरे आगे चल वैसे के मैंने चेक किया तो वो एसआरएच का प्लेयर था डैरेन सैमी। डैरेन सैमी को डैरन सारे टीम में उसे कालू कालू करके बुला देते थे, और ईशान सैमी। शर्मा की ऐसी हंसी मजाक में उसके कोई इंस्टाग्राम पोस्ट में कालू कमेंट भी कर दिया था वहां, तो उसको किसी ने तो समझाया कि भाई हाँ कालू मतलब तो काला बुला रहे सब लोग। बुरा लगा। और इसने जाना तेरे को पता है, ये बात इतनी इतनी उड़ी नहीं थी, इसको ज्यादा हवा कब लगी, जब स्वरा अरे भास्कर ने इसके ऊपर ट्वीट किया। हम हंस रहे हैं, लेकिन हम हंसते हुए भी हम रेसिस्ट हो सकते हैं ऐसे, लेकिन हम हाँ रेसिस्ट बिल्कुल नहीं है बाय द है वे, अलग। बट ओए हम कभी ऐसे कमेंट पास अब नहीं मेरे करना को भी चाहेंगे, और हम नहीं ट्विटर चाहते में कि ही अटका बिल्कुल कभी लेंगे। ऐसा लिखे। बट हाँ मतलब अभी अभी जैसे वो हो गया ना कि लोग बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, कोई उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बचा ही नहीं, जैसे तू किसी को अभी बॉडी के क्योंकि ऊपर यार, बोल दे कि क्या क्योंकि है, तो क्योंकि बॉडी शेपिंग को ये लेके ट्रिगर हो जाएंगे, हर प्रॉब्लम चीज ये को कि लेके।
प्रॉब्लम ये कि तुम ये सेंस ऑफ ह्यूमर से स्टार्ट होता है लेकिन ये फिर धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन की तरफ बदल जाता है। करता है ना उन दोनों बंदों के बीच में इक्वेशन क्या है जो आपस में बोल रहे हैं। हाँ लेकिन अननोन बंदे को तो बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो फिर तो बस पिलेगा। अभी मजाक में शुरू कर दिया कि काला है काला है काला है, और फिर अचानक से वही उसका फिर वो उसका जीवन ही वो बदल जाएगा। अरे तो काले से शादी कौन करे, ये काले फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बदल जाएगा। बचपन में वो मजाक चल रहा था वो फिर डिस्क्रिमिनेशन करने लगेंगे लोग। चेतन के स्टेटमेंट से मुझे ये कि अगर उस वो क्रिकेटर ने अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे मुस्लिम को उसका नाम लेके या जो भी आदि खान लेके ऐसा कुछ बोला होता या फिर किसी पर्टिकुलर बंदी को बोला होता कि गेम के बाद ज्यादा सेक्स कर दिया जो भी है तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि वो एक उस पे था। तो अभी ये पूरे जेंडर पे पूरे रिलीजन पे हो रहा है तो शायद उसके ज्यादा इतना बट लेकिन हाँ ऑब्वियसली यूके में तो इसके थोड़े स्ट्रिक्टर लॉज हैं तो फिर वहां पे तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो अभी और उनका तो क्रिकेट ईसीबी ने शुरू किया ना, हर मैच से पहले वो बैच पहन के वो करते हैं उनका कुछ इसके लिए रेसिस्ट के लिए टी शर्ट उन्होंने प्रिंट करवाया और टी शर्ट पहनते पहले मैच से पहले वो सब ब्लैक। अभी तो इनफैक्ट ईपीएल में भी शुरू हुआ था। हाँ तो ये वाला स्ट्रिक्टनेस उन्होंने शुरू किया है इसलिए उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। ब्लैक लाइफ मैटर भी हुआ था वो यूएस में जब अटैक करने के बाद जब एक मैं नाम भूल गया उसका जिसको पुलिस मान वाले बंदे ने मार दिया था फ्लॉयड कुछ था शायद। हाँ यस जॉर्ज फ्लॉयड शायद जॉर्ज फ्लॉयड बट पता नहीं जो भी है। तो हम ऑब्वियसली मैं तो ये कंक्लूड करूंगा इस चीज का कि ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि मतलब उसका करियर खत्म हो जाए लेकिन लॉस के हिसाब से करियर बिल्कुल अगर अच्छा क्रिकेटर है प्लस वो बोल रहा है कि वो बदल गया है लेकिन अगर लॉस के हिसाब से देखें तो होना चाहिए। तो मैं तो आई थिंक आई एम स्प्लिट। तो दो बार वो क्लब से उसे अनप्रोफेशनल एथिक्स के लिए निकाला भी गया है ये भी न्यूज़ आ रही है ना। ओके 2012 और 2015 बिग कोच ने भी कहा था लेकिन वही है ना कितना ट्रू है सारी खबरें निकलेंगी एक निकलती है तो एक बंदे की तरह जो इतनी इम्पोर्टेंट है। मुझे तो लग रहा है कि अभी अपने ओपिनियन से कुछ लेना देना नहीं उसका तो गया मतलब उसका करियर स्टार्ट से ही पहले खत्म हो गया। हाँ जिस हिसाब से पेज है और जिस हिसाब से ईसीबी ने डिसीजन लिया है और उसकी एज ऑलरेडी 27 है अगर उसने और 2-3 साल लेट किया तो 30 साल की उम्र तक तो वैसे ही लोग रिटायरमेंट के पास पहुंचते हैं तो मुझे लग रहा है कि उसकी तो ऑलमोस्ट बैन बच चुकी है उसकी। हाँ क्लब्स वगैरह में मे भी कमबैक कर पाए क्लब्स वगैरह के लिए खेल पाए इंटरनेशनल बिग बैश बिग बैश वो अलग बात है बट या फिर इंटरनेशनल और भी प्लेयर्स होंगे ना फिर उसको क्यों नहीं है मतलब ऐसा क्रिकेट में तो बहुत होता है जितना मैंने सुना है कि काफी सारे लोग वेट करते हैं चांस के लिए श्रीशांत एक टाइम पे इतने पीक पे था तो भी उसको साइड लाइन कर दिया और जब से गया उसको कभी ऐसा कोई उसकी तरफ देखा भी नहीं कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है लेकिन कमबैक कर ही नहीं पा रहा। नहीं बहुत मुश्किल है एज भी फैक्टर है प्लस देयर आर लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स सपोर्ट भी नहीं मिलता ना सर एक बार अगर तुम्हारे जैसे अभी उसको एज फैक्टर है ऑलरेडी है क्योंकि वो लेट 20s में तभी 33-34 तक तो फास्ट बॉलर्स रिटायरमेंट कर जाते हैं तो एज फैक्टर भी उसके साथ नहीं है प्लस उसका बैकग्राउंड भी उसके साथ नहीं है तो मुझे तो लग रहा है कि उसका बहुत ही मुश्किल है वापस आना। बहुत मुश्किल है और कोई क्लब भी इंटरेस्टेड नहीं होगा प्लस आईपीएल में तो खेलने से मतलब नहीं है। शुरू में जैसे बोला सेटिंग एन एग्जांपल सो एवरीबॉडी नाउ वांट्स टू मेक हिम एन एग्जांपल व्हिच इज ओके फॉर मी आई थिंक शुड बी डन लेकिन हां एग्जांपल के चक्कर में हो गया उसका काम। हाँ, ऐसी होता है एग्जांपल सेट आई मीन चलो कुछ इसी के साथ हम एंड करें। हाँ भाई चलो चलो थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आप अपने कमेंट्स नीचे डाल सकते हैं और बताएं कि और किस चीज पे बात करें हमारा शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। तू सिर्फ यही बोलने आया था ना चलो शेयर भी करो यार दोस्तों के साथ दूसरे बिल्कुल और हाँ बस भाई इतना ही अगले मिलते अगली वीडियो ओके थैंक यू बाय बाय दोस्तों थैंक यू एवरीवन।